योगेश और नरेश दो पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में। उन्होंने एडमिट किया रमेश को 1/3 शेयर के लिए, राइट। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो शेयर करेंगे फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, दैट मीन्स दिस इज द न्यू रेशियो राइट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। बैलेंस शीट हमें दी हुई है। अब देखिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लाइक एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्रेडिटर्स एक्सपेंसेस पेबल, राइट। सो हमें इसमें से देखना है कि किसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और किसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो इसमें डिफरेंस है, दैट इज़ एक कैपिटल अकाउंट है और एक करंट अकाउंट। आई होप आप लोग को ये इन दोनों में डिफरेंस पता हो, और नहीं भी पता तो हम इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है असेट साइड। इसमें एक असेट साइड में एक है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, राइट। और ये आपका आया है असेट साइड में। नाउ सी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। फर्म के पार्टनर्स के लिए ये एक तरह का एक्सपेंस होता है, बट ये एक्सपेंस फर्म के लिए असेट होता है, बिकॉज ये अमाउंट जो है पार्टनर्स को फर्म में देना पड़ता है, राइट। सो दिस इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। नाउ डू द एडजस्टमेंट्स। फिर 5 लाख की कैपिटल आई है, गुडविल की वैल्यू है 1 लाख, बट ही इज़ अनएबल टू ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। सो यहाँ पर देखिए एक नया पॉइंट आया है। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड 40,000 ईच, फर्नीचर रिड्यूस, प्रोविजन क्रिएट हुआ है, लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। सो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, राइट। सो हमें एडवर्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करनी। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन। सो लेट स्टार्ट द 75 क्वेश्चन। योगेश और नरेश दो पार्टनर्स हैं, जिनका न्यू ओल्ड रेशो दिया हुआ है हमें 3:2। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रमेश एक न्यू पार्टनर है जो कि 5 लाख की कैपिटल लेकर आया है और 1 लाख की गुडविल उसे लानी है, बट वो गुडविल उस एडजस्टमेंट में लिखा है कि नॉट ब्रिंग इन कैश, वो कैश में उस गुडविल के अमाउंट को नहीं लेकर आया, राइट। सो इस तरह के केसेस में जब वो कैश में गुडविल नहीं आती तो हम इस 1 लाख को उसके इस अकाउंट से चार्ज करेंगे, राइट। सो अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट में हमें दिया हुआ है न्यू रेशो 1:1:1। सो जब हमारे पास ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है, सो नाउ वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट सेक्रीफाइजिंग रेशो, राइट। सो सबसे पहले हम योगेश का सेक्रीफाइजिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। सो योगेश का ओल्ड रेशो है 3/5 माइनस 1/3। नीचे से हम एलसीएम ले लेंगे, 5 3 15, नीचे से डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई, 5 3 15 एंड 3 3 9 माइनस 3 5 15 एंड 9 - 5 4/15, राइट। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे नरेश का सेक्रीफाइजिंग रेशो। ओल्ड रेशो 2/5 माइनस न्यू रेशो इज 1/3, राइट। सो एलसीएम ले लेंगे, 5 3 15 एंड 3 2 6 3 5, सो 6 5 1/15। सो सेक्रीफाइजिंग रेशो यहाँ पर क्या निकल कर आया हमारा, 4:1, राइट। अब हमें सेक्रीफाइजिंग रेशो की ज़रूरत क्या है, बिकॉज जब भी हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस रेशो में, सेक्रीफाइजिंग रेशो में। सो लेट स्टार्ट द जर्नल एंट्रीज। सो फर्स्ट एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रमेश के कैपिटल से ही स्टार्ट करते हैं। अब रमेश यहाँ पर क्या लेकर आया है, कैपिटल। सो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे फर्स्ट एंट्री में बैंक में पैसे आए हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट, राइट। ये एंट्री तो हम सबको पता है, रमेश न्यू पार्टनर है और वो कितनी कैपिटल लेकर आया है, 5 लाख की, राइट। अब हमने इसके साथ में गुडविल नहीं लिखा, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है कि नॉट ब्रिंग इन कैश। अब वो कैश में नहीं लेकर आया तो हम यहाँ बैंक में एंट्री नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट डू द सेकेंड एंट्री हम गुडविल की करेंगे, बट यहाँ पर हम प्रीमियम फॉर गुडविल ना लिखकर रमेश का अकाउंट लिखेंगे, बिकॉज हम इस गुडविल को उसके अकाउंट से ले रहे हैं। सो वी विल राइट इट ओवर हियर, रमेश करंट अकाउंट। अब ये करंट अकाउंट क्यों हम लिख रहे हैं, कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं लिख रहे, सी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है, राइट। और इस क्वेश्चन में हमें दो तरह के अकाउंट दिए हुए हैं, योगेश और नरेश का एक कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है और एक करंट अकाउंट दिया हुआ है। सो सबसे पहले हम यहाँ गुडविल का अमाउंट लिख लेते हैं। गुडविल का अमाउंट है हमारा 1 लाख, राइट। ये गुडविल कैश में नहीं आई तो हम रमेश के नाम से इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे योगेश और नरेश में,
और कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है गुडविल? सेक्रीफाइजिंग, जो अभी हमने सॉल्व किया. सो यहाँ पर हम लिखेंगे योगेश करंट अकाउंट एंड टू नरेश करंट अकाउंट, राइट. अब योगेश और नरेश में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है 1 लाख की, और कौन से रेशो में हो रही है? 4:1. सो 4/5 और 1/5. सो 5 से डिवाइड किया 20, 24 जा 80,000 एंड 20,000. आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. सी, मेरे पास एक परफॉर्मा है, आप पहले इसे देखिए, राइट. दिस इज़ द कैपिटल अकाउंट एंड दिस इज़ द करंट अकाउंट. अब तक हम जितने भी क्वेश्चंस करने आए हैं उसमें हम एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ वो ये वाला अकाउंट है, राइट. बट इसको हम करंट अकाउंट ना लिखकर वहाँ पर हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट, राइट. क्वेश्चन में अब हमें एक कैपिटल दिया हुआ है करंट अकाउंट में. सी, कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ दो चीज़ें लिखते हैं, एक ओपनिंग बैलेंस और कोई भी फ्रेश कैपिटल जब कोई न्यू पार्टनर या फिर कोई ओल्ड पार्टनर भी इंट्रोड्यूस करता है फ्रेश कैपिटल, तो हम सिर्फ उसमें कैपिटल के बारे में बात करते हैं, राइट. करंट अकाउंट में हम ओपनिंग बैलेंस, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन, किसी रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, कोई लॉस हो गया, कोई ड्रॉइंग्स हो गई, कोई एक्सपेंस हो गए, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा करंट अकाउंट में, राइट. सो आई होप आप लोग को ये दोनों डिफरेंस समझ आ गए हो. इसमें सिर्फ कैपिटल की बात होती है, बट इसमें सारे एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉसेस सब की बात होती है, राइट. सो अब तक हम बेसिकली हम यही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, बट यहाँ पर हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बट क्वेश्चन में अगर डिफरेंस दिया हुआ है तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, तो हम यहाँ प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट. इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है रमेश के करंट अकाउंट से हमने इस 1 लाख की गुडविल के अमाउंट को लेकर डिस्ट्रीब्यूट किया है ओल्ड पार्टनर्स में. सो आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो. नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे आते हैं. इसमें हमें दिया हुआ है पहले बैलेंस शीट में एक रिजर्व दिया हुआ है, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. तो सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं. रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में, राइट. बिकॉज ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स ने ही क्रिएट किया होगा इस रिजर्व को, न्यू पार्टनर तो अभी अभी आया है. सो योगेश अकाउंट एंड टू नरेश अकाउंट. और हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर लिखेंगे यहाँ पर? करंट अकाउंट. आई होप आप लोग को क्लियर हुआ हो. नेक्स्ट, रिजर्व में हमें अमाउंट कितना दिया हुआ है? 1 लाख का. सो इस 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम ओल्ड रेशो में 3:2. सो इसका है 3/5 और इसका है 2/5. सो यहाँ अमाउंट आ जाएगा 60,000 एंड यहाँ आ जाएगा 40,000, राइट. नेक्स्ट जो हमें बैलेंस शीट में गिवन है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. अब ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या होता है? सी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होता है, बट अगर हम फर्म की बात करें तो फर्म के लिए एसेट होता है. इसीलिए ये हमें एसेट साइड में दिया होता है, राइट. क्योंकि उसे फर्म पार्टनर से कैपिटल लेकर फर्म में लगाएंगे तो फर्म के लिए एक एसेट होता है. सो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, तो ये आएगा डेबिट साइड में पार्टनर्स के. सो हम इन दोनों के डेबिट साइड में लिखेंगे योगेश करंट अकाउंट एंड नरेश करंट अकाउंट. इन दोनों के लिए ये एक्सपेंस है एंड टू एडवर्टाइजमेंट. कौन से एक्सपेंस को हम डिस्ट्रीब्यूट करें? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. और यहाँ अमाउंट कितना दिया हुआ है? 30,000 का. रेशो सेम 3/5 एंड 2/5. 5 6 30 एंड 6 3 18,000 एंड 12,000. आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो. नेक्स्ट में आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट में फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज होगी तो हम फर्नीचर को क्रेडिट में लिख देते हैं, राइट. नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, असेट डिक्रीज होते हैं और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, तो रिवैल्यूएशन के कहाँ जाते हैं? डेबिट साइड में. तो हम यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, राइट. और नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, राइट. नेक्स्ट हमें एक चीज़ और दी हुई है, दैट इज लाइबिलिटी हो गई है हमारी, कुछ हमारा नुकसान हो गया है. तो जब हमारा कुछ नुकसान हो गया है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में जाएगी. अब हम यहाँ लिखेंगे लाइबिलिटी फॉर डैमेज अकाउंट. आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो. सो फर्नीचर में हमारी कितनी 10,000 वैल्यू डिक्रीज हो रही है. डाउटफुल डेब्ट्स अब हमें यहाँ कैसे निकालना है? सी, डाउटफुल डेब्ट्स में हम यहाँ लिखेंगे 2 लाख 10,000 का हम सबसे पहले निकालेंगे
10%, राइट। सो 10% में 1 0 चला जाएगा, सो 21,000। अब हम इसमें से लेस करेंगे, हमारे डाउटफुल डेट्स जो है वो है ओल्ड बैलेंस शीट में ऑलरेडी 10,000 के हमें गिवन है। सो जो पहले वाली ओल्ड बैलेंस शीट के डाउटफुल डेट्स को माइनस करेंगे और फिर हमारा न्यू बैड डेट्स आ जाएगा, दैट इज़ 11,000 का। सो अब हमारी लाइबिलिटी 11,000 इंक्रीज हो रही है, राइट। सो हम यहाँ लिखेंगे 11,000 और लाइबिलिटी हुई है हमारे, डैमेज हुआ है हमारा 10,000 का। सो तीनों को ऐड किया तो रिवैल्यूएशन के अकाउंट के डेबिट साइड में हमारे आ रहे हैं 31,000। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई है, एंड दिस इज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नेक्स्ट अब आ जाते हैं रिवैल्यूएशन जिसमें क्रेडिट साइड में आएगा। तो सो इसकी फिफ्थ एंट्री होगी, इसमें लैंड अकाउंट है और बिल्डिंग अकाउंट अलग है, कभी कभी एक साथ दिया होता है सो हम एक साथ बोल देते हैं। सो यहाँ लैंड और बिल्डिंग अकाउंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ होगा तो डेबिट साइड में जाएंगे और यहाँ आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। सी असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो असेट डेबिट में आया, यहाँ असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी सो ये आए थे क्रेडिट में, राइट। और यहाँ हमने लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और लैंड का अमाउंट कितना इंक्रीज हो रहा है 40,000, बिल्डिंग का अमाउंट कितना इंक्रीज हो रहा है 40,000, सो टोटल अमाउंट इज 80,000। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट हमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, तो हम यहाँ भी प्रिपेयर कर लेते हैं, जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, वैसे यहाँ से भी निकल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले हमने डेबिट साइड में क्या क्या लिखा है, ये दिस इज द डेबिट साइड, फर्नीचर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स की वर्किंग मैंने यहाँ पर कर दिया, आई होप आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हुई हो। पहले हम 2,10,000 का 10% निकालेंगे, बिकॉज 10,000 दिया हुआ है हमें और एग्जैक्ट आया हमारा 21,000। सो ओल्ड प्रोविजन हमारा ऑलरेडी था 10,000 का, सो हमने इसको लेस कर दिया, सो यहाँ पर अमाउंट आ गया हमारा 11,000। फर्नीचर का अमाउंट है हमारा 10,000, राइट। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस। यहाँ पर क्या हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है तब आती है, तो यहाँ लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है 10,000 से। नाउ क्रेडिट साइड वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है लैंड की और बिल्डिंग की, 40,000 से हो रही है, 40,000। सो ऑल थिंग्स आर डन, क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट, 80,000, यहाँ का बैलेंस ज़्यादा है सो यहाँ आ जाएगा 80,000। यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ भी लिखेंगे और इन तीनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे, सो सी 1, तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा 9 and 4, 49,000। और यहाँ के बैलेंसिंग फिगर को हम कहते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, और दो ओल्ड पार्टनर्स हैं योगेश और नरेश, राइट। और उनका रेशो है 3/5 and 2/5। डिस्ट्रीब्यूट पहले हम 49,000 को 5 से डिवाइड करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3 देन मल्टीप्लाई बाय 2, सो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा आपका 29,400 और यहाँ 19,600। सो अब इस डिस्ट्रीब्यूशन की भी एक एंट्री, लास्ट एंट्री हम यहाँ जनरल एंट्री पास कर देते हैं, प्रॉफिट आया है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, सो हम यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, योगेश और नरेश। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। प्रॉफिट कितने का आया है हमारा 49,000 का, और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 29,400 and 19,600। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, बिकॉज हमें क्वेश्चन में सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा था, सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। सबसे पहले हमने प्रिपेयर किया है सेक्रीफाइजिंग रेशो निकाला, यहाँ पर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया, सी आप नरेशन में लिख सकते हैं गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री, राइट। और यहाँ पर कैपिटल इज कमिंग, न्यू पार्टनर्स ब्रिंग कैपिटल, नरेशन आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 76। बैलेंस शीट दी हुई है हमें, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं 3:2 के रेशियो में, राइट। अब इसमें क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, हमें इसमें दोनों अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, राइट। नेक्स्ट हमें असेट साइड दी हुई है जिसमें डेटर्स है, कैश है, पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट, ऑल दीज आर फिक्स्ड असेट्स। और यहाँ एक चीज़ देखिए, गुडविल दी हुई है। ये जो गुडविल आपको दी हुई है बैलेंस शीट में, दिस इज द एग्जिस्टिंग गुडविल, दैट मीन्स कि न्यू पार्टनर के आने से पहले की गुडविल है। सो दिस गुडविल इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स एक्स और वाई, न्यू पार्टनर में इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। सी एडजस्टमेंट्स देखते हैं। एडजस्टमेंट्स में लिखा हुआ है कि जेड जो है वो एक न्यू पार्टनर है 1 अप्रैल 2020 को, राइट। तो जेड जो है वो न्यू पार्टनर है और न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले की गुडविल हमें दी हुई है बैलेंस शीट में, दैट उसको कहा जाता है एग्जिस्टिंग गुडविल, राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में हमें कहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन किया है 5% डेटर्स पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट। सी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग रेंट इससे भी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज अक्रूड इनकम 4500 जिसको डज नॉट अपियर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, सो अब हमें इसको रिकॉर्ड करना है। तो ये अक्रूड इनकम है, असेट्स इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है कि एक्स टेक ओवर इन्वेस्टमेंट, एक्स ने एक इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया एग्रीड वैल्यू 18,000 पे, राइट। सो एक्स के कैपिटल अकाउंट में इसको हम इसकी हम एंट्रीज पास करेंगे। नेक्स्ट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है 4:3:2, दैट मीन्स न्यू पार्टनर के आने के बाद का रेशियो है तीनों पार्टनर्स का। जेड विल ब्रिंग 60,000, जेड जो है वो 60,000 की कैपिटल लेकर आया है बाय चेक, राइट। नेक्स्ट जेड इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल, अब जो जेड है वो यहाँ पर पे कर रहा है इक्वल टू हिज शेयर इन द फर्म्स गुडविल, दैट मीन्स इस एडजस्टमेंट का मतलब है कि हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। सो सबसे पहले हमें इसे एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, देन वी विल गेट द फर्म्स गुडविल, राइट। इससे हमें फर्म की गुडविल पता चल जाएगी, उसके बाद हम निकालेंगे न्यू पार्टनर्स के शेयर ऑफ गुडविल। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। लास्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है कि हाफ ऑफ द अमाउंट, जितना भी गुडविल लेकर आना था न्यू पार्टनर को जेड को, उसका हाफ अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर लिया है ओल्ड पार्टनर्स ने, राइट। सो इसकी एक जनरल एंट्री पास होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में विड्रॉन की। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द 76 क्वेश्चन। एक्स और वाई दो पार्टनर्स है, ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू रेशो हमें गिवन है। सी अब जब ई एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ न्यू रेशो गिवन है। सो जब ओल्ड और न्यू रेशो गिवन होते हैं तो फर्स्ट थिंग जो हम करते हैं दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइजिंग रेशो, राइट। सो सबसे पहले हम एक्स का सेक्रीफाइजिंग रेशो करेंगे। ओल्ड रेशो इज 3/5 और न्यू रेशो है 4/9, दिस इज 4/9, तीनों को प्लस करके 9। एल से हम ले लेंगे 5 9 = 45, नीचे से डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई, 5 9 = 45, 9 3 = 27, माइनस 9 5 = 45, 5 4 = 20, नीचे से डिवाइड होता है और ऊपर से मल्टीप्लाई, 7/45। नेक्स्ट वाई का कैलकुलेट कर लेते हैं। ओल्ड रेशो इज 2/5 माइनस न्यू रेशो इज 3/9, राइट। सेम एलसीएम, 45 यहाँ आ जाएगा आपका 18 माइनस 5 9 = 45, 9 2 = 18, 9 5 = 45, 5 3 = 15, सो यहाँ आ जाएगा 3/45। सो सेक्रीफाइजिंग रेशो इज 7:3, राइट। नेक्स्ट अब हमें जब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे आपकी लास्ट वाली जी एडजस्टमेंट, वहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि कैलकुलेट वी हैव टू गुडविल। सो इस वर्किंग नोट को भी हम यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, कैलकुलेट द गुडविल। सो यहाँ पर हमें फर्म की गुडविल निकालेंगे, राइट। सो सबसे पहले लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स लास्ट, सो हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। एडजस्टमेंट पढ़ेंगे ना जब आप जी, तो वहाँ से आपको फर्म की गुडविल पता चल जाएगी, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, राइट। सो फर्स्ट ईयर का है 90,000, नेक्स्ट इज 78,000 प्लस 75,000, राइट। अब इन तीनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल कर आएगा। सी तीनों को ऐड करेंगे आपका अमाउंट आ जाएगा 2,43,000 डिवाइडेड बाय 3, 3 8 = 24, 3 1 = 3, सो 81,000 इज द एवरेज प्रॉफिट। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, राइट। सो यहाँ पर हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस 2, सो
162,000 इज द फर्म्स गुडविल, राइट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द जेड शेयर ऑफ गुडविल। तो जेड का शेयर हमें पता ही है, जेड का शेयर पता है, फर्म की गुडविल पता है, दिस इज द फर्म्स गुडविल, राइट। सो फर्म की गुडविल पता है तो जेड का शेयर इजीली निकल जाएगा। सो हम यहाँ लिखेंगे जेड शेयर और फर्म गुडविल है 162,000 और जेड का शेयर लास्ट वाला 2/9, राइट। सो हम यहाँ लिखेंगे 2/9, 9 से काटेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा 18,000 और मल्टीप्लाई बाय 36,000। सो दिस इज द जेड शेयर ऑफ गुडविल, राइट। सो अब हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया, जेड का शेयर ऑफ गुडविल निकाल ली। नाउ लेट स्टार्ट द क्वेश्चन एंड प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट में जब आप एडजस्टमेंट्स को पढ़ेंगे तो वहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में लिखा है, राइट। सो फर्स्ट एंट्री सी, हमें पता है कि असेट साइड डिक्रीज होती है डेबिट साइड में और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, और ये क्रेडिट साइड है और यहाँ पर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, राइट। पहली चीज़ क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब वहाँ पर लिखा हुआ है कि 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स हमारे टोटल कितने हैं, 60,000, राइट। तो 60,000 का जब हम 5% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3,000, राइट। सो 3,000 में से हमने ओल्ड बैलेंस शीट में आप देखिए वहाँ 2,400 का ऑलरेडी प्रोविजन है, राइट। सो जो पहले वाला प्रोविजन से हमारे पास दो प्रोविजन हो गए, दिस इज़ न्यू प्रोविजन और दिस इज़ ओल्ड प्रोविजन। सो न्यू में से ओल्ड माइनस कर देंगे, एक ही प्रोविजन लिखना है ना यहाँ पर। सो वी विल राइट इट ओवर हेयर 600। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग रेंट, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सो हम यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट इज 15,000, राइट। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है यहाँ पर 18,000 और बैलेंस शीट में हमें दी हुई है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 24,000, राइट। तो असेट्स की वैल्यू यहाँ 24,000 से कितनी आ गई, 16,000, दैट 18,000, राइट। दैट मीन्स कि असेट की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। सो हम यहाँ माइनस करके लिख देंगे कितनी डिक्रीज हो रही है, 6,000। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। नेक्स्ट है अक्रूड इनकम। सी अक्रूड इनकम मतलब एक इनकम हुई है, दैट मीन्स असेट यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज होंगे तो हम यहाँ लिखेंगे बाय अक्रूड इनकम। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। अब कितनी इंक्रीज हो रही है, 4,500 से, राइट। सो नाउ ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन, सो वी विल क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका 21,600। यहाँ भी बैलेंस कर देंगे 21,600। सो बैलेंसिंग फिगर ऑब्वियसली यहाँ क्रेडिट साइड आएगी और क्रेडिट साइड की बैलेंसिंग फिगर को कहा जाता है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, कि हमने जब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया तो हमें लॉस हो गया। अब कितना लॉस हो गया, 21,600 में से 4,500 को माइनस कर देंगे, अमाउंट आ जाएगा 17,100। और ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स में, और ओल्ड पार्टनर्स कौन है, एक्स और वाई, तो उनका रेशियो हमें पता ही है, रेशियो इज 3/5 and 2/5, राइट। सो अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, सी 17,100 डिवाइडेड बाय 5, 3,420 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका रेशियो आ जाएगा एक्स का 10,260 और इसका आ जाएगा 6,840। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। सो नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर, नेक्स्ट विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो सी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और करंट अकाउंट बनाया। सी परफॉर्मा देख के घबराए नहीं, एक्चुअली इसमें कुछ भी नहीं होता, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ उनका कैपिटल डाला जाता है और बाकी के रिजर्व प्रीमियम गुडविल जो भी अमाउंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारा करंट अकाउंट में। ये कोई टफ नहीं है, अगर आप इसको करेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा, सिर्फ परफॉर्मा देख के बच्चे डर जाते हैं कि इतना बड़ा परफॉर्मा बन गया। सो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सी दिस इज, इसका नाम कैपिटल है, सो हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस उठाकर सबसे पहले हम इसमें लिख देंगे। सो आप जब बैलेंस शीट देखेंगे तो वहाँ पर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस ओपनिंग बैलेंस को हम क्या कहते हैं, बीडी, तो हम यहाँ लिख देंगे 1,80,000। ये हमें बैलेंस शीट में गिवन है, हम कुछ भी अपने आप नहीं कर रहे, राइट, वेरी इजी। नेक्स्ट, अब जब हमने इन दोनों का ओपनिंग कैपिटल लिख दिया तो जेड भी अपना कैपिटल लेकर आया है तो हम उसको भी लिख देते हैं, और किसके नाम से लिखेंगे, कैश के नाम से।
ये हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि जेड 60,000 की कैपिटल लेकर आया, राइट। इस अकाउंट में सिर्फ इतना ही अमाउंट आता है और हमें कुछ भी नहीं डालना होता। सो नाउ वी विल क्लोज दिस अकाउंट, राइट। तो बैलेंस सेम आ गया, यहाँ है 90,000 और यहाँ है 60,000, राइट। सो सेम अमाउंट यहाँ भी आ जाएगा और बैलेंसिंग फिगर भी इसकी यही आएगी, 1,80,000, 90,000 एंड 60,000, राइट। सो हम यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस। अब यहाँ बीडी था तो यहाँ हम लिख देंगे सीडी और सेम अमाउंट, बिकॉज यहाँ कुछ है ही नहीं माइनस करने के लिए। सो 1,80,000, 90,000 एंड 60,000, राइट। अब आ जाते हैं करंट अकाउंट पे, सिर्फ यहाँ पर नाम बदलता है करंट अकाउंट, अदरवाइज हम इसी कैपिटल अकाउंट में सारे प्रीमियम गुडविल सब डाल देते हैं, रिजर्व। सो अब यहाँ स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। जो बैलेंस शीट में दिया है हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखा था, अब हम करंट अकाउंट का डालेंगे। इसका अमाउंट है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है हमें 30,000 और इसका गिवन है 6,000, राइट। 30,000 एंड 6,000। नेक्स्ट हमें बैलेंस शीट में गिवन है रिजर्व। रिजर्व हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स में इन द ओल्ड रेशियो, एंड ओल्ड रेशियो इज 3:2। सो 30,000 का रिजर्व है 36,000 का, सो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 21,600 और यहाँ 14,400। आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इजीली, रेशो पता ही है हमें ओल्ड रेशो। नेक्स्ट है, अब हमने कैलकुलेट किया था गुडविल, सो न्यू पार्टनर का कैपिटल हमने डाल दिया, अब हम यहाँ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट। अब गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो होती है हमारी सेक्रीफाइजिंग रेशो में, एंड सी हमने अभी सेक्रीफाइजिंग रेशो सॉल्व किया था, दिस इज राइट। सो सेक्रीफाइजिंग रेशो कितना है, 7:3। तो हम यहाँ जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो सेक्रीफाइजिंग रेशो में करेंगे, ब्रैकेट में लिख देते हैं 7:3, राइट। और गुडविल भी हमने अभी इसी सॉल्व की थी, सेट का शेयर आया था 36,000, राइट। सो इस 36,000 को हम 7:3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आपका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 25,200 एंड 10,800। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। सो नेक्स्ट अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम रिवैल्यूएशन का लॉस। सी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था, हमारा लॉस एंड रिवैल्यूएशन आया था, सो हम इसको ये क्रेडिट साइड में आया है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा, राइट। सो हम यहाँ लिख देते हैं फटाफट टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, राइट। और अमाउंट कितना आया था, 10,260 और इसका आया था 6,840। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अब देखिए, बैलेंस शीट में हमें एक एग्जिस्टिंग गुडविल दी हुई है, उस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में इन द डेबिट साइड, और यहाँ हम लिखेंगे टू गुडविल। ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, जो न्यू पार्टनर के आने से पहले की गुडविल जो हमें बैलेंस शीट में असेट साइड में दी हुई है, राइट। और इस गुडविल का अमाउंट है हमें 30,000 दिया हुआ है, सो इस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में, एंड ओल्ड रेशो इज 3:2, राइट। सो गुडविल का अमाउंट है 30,000, 30,000 की गुडविल को 3:2 के रेशो में, 5, 6 30 एंड 6, 3 18,000 एंड 12,000, राइट। दिस इज द एग्जिस्टिंग गुडविल, कन्फ्यूज नहीं होना, दिस इज द न्यू पार्टनर हु ब्रिंग्स गुडविल एंड दिस इज द एग्जिस्टिंग गुडविल, जो न्यू पार्टनर के आने से पहले की गुडविल हमें बैलेंस शीट में गिवन है, राइट। सो अब हम गुडविल के बाद एडजस्टमेंट्स पे आ जाते हैं, राइट। जब आप एडजस्टमेंट नंबर डी देखेंगे, वहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट है जिसको टेक ओवर कर लिया है एक्स ने, राइट। तो जब एक्स ने टेक ओवर किया है तो एक्स के अकाउंट में वो हम डेबिट हो जाएगी, सो हम यहाँ लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, राइट। बिकॉज लिखा है कि एक्स हैज टेकन ओवर, सो हम सिर्फ एक्स के अकाउंट में उसका अमाउंट डालेंगे और वो हमें गिवन है 18,000, राइट। अब ये एडजस्टमेंट तो क्लियर है डी। नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं, एच एडजस्टमेंट। ये डी एडजस्टमेंट थी और ये एच एडजस्टमेंट है। एच एडजस्टमेंट में कह रहा है कि हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। सो गुडविल हमने कितनी कैलकुलेट की थी, 36,000, राइट। सो 36,000 ये जो हमने निकाला था, इसका हाफ ऑफ द अमाउंट, राइट। सो 36 का हाफ कितना हो जाएगा, 18,000, राइट। सो इस 18,000 को विड्रॉ कर लिया है किसने, ओल्ड पार्टनर्स ने, एक्स और वाई ने, राइट। ये हमें एच एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो इस 18,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स में और वाई में, और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
इन सेक्रीफाइजिंग रेशियो, राइट। सो सेक्रीफाइजिंग रेशियो अभी हमने कैलकुलेट किया था 7:3 है। सो जब विड्रॉ कर लिया है इसका हाफ ऑफ द अमाउंट ओन पार्टनर्स ने, सो हम इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7:3 के रेशियो में। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। सो जब 18,000 को आप 7:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश, राइट। देखिए जब गुडविल आई और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई तो क्रेडिट साइड आई, बट इस गुडविल को आने के बाद जब विड्रॉ कर लिया तो वो डेबिट साइड आ जाएगी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई हो। जब गुडविल आती है तो क्रेडिट होती है और जब उस गुडविल को विड्रॉ कर लेता है पार्टनर तो वो डेबिट हो जाती है, राइट। और कौन से रेशो में होगी? सेम सेक्रीफाइजिंग रेशो, 7:3। सो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 18,000 को तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12,600 और यहाँ आ जाएगा आपका 5,400। सी 18,000 मल्टीप्लाई बाय 7/10 और 18 7 1 2 6। सो आई होप आप लोग के डिस्ट्रीब्यूशन तो क्लियर ही हुआ हो। सो नाउ वी हैव डन ऑल द एडजस्टमेंट्स एंड ऑल द बैलेंस शीट में, जो ये गुडविल हमें बैलेंस शीट में दी हुई थी, राइट। और दिस इज द लॉस एंड रिवेल्यूशन। नाउ वी विल क्लोज द अकाउंट। आई होप आप लोग को ये सारी एंट्रीज क्लियर हुई हूँ। सो लेट्स डू द टोटल। सो यहाँ जब आप टोटल करेंगे तो आ जाएगा आपका 76,800, यहाँ का टोटल आ जाएगा आपका 31,200 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम निल लिख देंगे, राइट। बिकॉज यहाँ नहीं है बट यहाँ तो हमने डाला ही ना इसका कैपिटल जेड का। सो लेट्स डू इट, 76,800 यहाँ पर सेम अमाउंट आ जाएगा बिकॉज अकाउंट को बैलेंस करना है 31,200 और यहाँ निल, राइट। अब इन सब के टोटल को 76,800 से हम माइनस करेंगे, राइट। सो जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा दैट इज़ योर बैलेंसिंग फिगर, राइट। सो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, राइट। सो लेट्स डू द टोटल। सो जब आप इनका टोटल करेंगे तो आपका यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 58,860। इसको इसमें से लेस करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा बैलेंसिंग फिगर, एंड बैलेंसिंग फिगर इज 17,940। आई होप आप लोग को ये समझ आया हो। इन सब का टोटल है, दिस इज 58,860, राइट। नेक्स्ट यहाँ का टोटल इज 24,240। इसमें से इसको लेस करेंगे सो बैलेंसिंग फिगर आपकी आ जाएगी 6,960। सो आई होप आप लोग के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियर हुआ हो। अब यहाँ देखिए एक बैलेंसिंग फिगर यहाँ आई है और एक बैलेंसिंग फिगर यहाँ आई है, कोई इशू नहीं है। जैसे हमें क्वेश्चन में कहा है हम एज इट इज़ वैसे ही करते जा रहे हैं। इस कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल है तो कैपिटल के नाम से कैपिटल ही डाला जाता है, राइट। और कुछ नहीं आता, बट करंट अकाउंट में बाकी सारी एडजस्टमेंट्स आती हैं। सो लेट्स मेक इट द बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का बैलेंस डालते हैं, राइट। कोई कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे। कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस आया था एक्स वाई और जेड का, राइट। एक्स का कैपिटल आया है 1,80,000, वाई का कैपिटल अभी हमने सॉल्व किया 19,000, उसमें सिर्फ हमने कैपिटल ही लिखा है, राइट। सो सेम बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ जाएगी, ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3,30,000, राइट। नेक्स्ट है करंट अकाउंट। अब हम करंट अकाउंट का बैलेंस डाल देंगे। कैपिटल और करंट अकाउंट देखकर कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन करंट अकाउंट में जेड का बैलेंस नहीं था, राइट। कोई इशू नहीं है, एक्स और वाई का आया है, एक्स और वाई का लिखेंगे 17,940 और वाई का आया है 6,960, राइट। टोटल कर दिया, यहाँ आ जाएगा 24,900। आई होप आप लोग को यह आंसर क्लियर हो। नेक्स्ट लाइबिलिटी जो हमें दी हुई है दैट इज़ क्रेडिटर्स, सेम लिख देते हैं। क्रेडिटर्स हमें दिया हुआ है 45,000 का, राइट। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग रेंट। अब ये हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, सो आउटस्टैंडिंग रेंट से लाइबिलिटी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 15,000, राइट। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कैश। सबसे पहले कैश में लिखेंगे। कैश में हमें ऑलरेडी गिवन है 15,000, सो पहले हम उस 15,000 को लिख लेते हैं। नेक्स्ट जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आया है 16,000 की। अब हमें यहाँ गुडविल भी, गुडविल तो हमने कैलकुलेट की थी तो यहाँ 36,000 आया था, राइट। बट हम यहाँ 36 नहीं लिखेंगे बिकॉज इस 36,000 में से 18,000 तो ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली, सो रिमेनिंग गुडविल क्या है? रिमेनिंग इज 18,000, राइट। सो जो रिमेनिंग गुडविल है उसको हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ ऐड करेंगे प्लस 18,000। ये चीज़ ध्यान देनी है। नेक्स्ट देन
टोटल करेंगे 93,000। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। नेक्स्ट है आपका डेटर, डेटर आपका आ जाएगा 57,600, राइट। और अभी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना लिखा है, 600। सी हमने 600 लिखा है ना, सो इस 600 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, सो डेटर आ जाएगा आपका 57,000, राइट। या तो आप इसको ऐसे लिखिए या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधा 60,000 में से जो टोटल हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आया था 3,000, सो 60,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो भी 57,000। आप ऐसे लिखे या ऐसे लिखे अमाउंट सेम ही आएगा, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं पेटेंट्स, पेटेंट्स आपका दिया हुआ है 44,400। नेक्स्ट इज फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट हमें गिवन है 2,16,000, राइट। लास्ट इज अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम हमें एडजस्टमेंट में दी हुई है जिससे हमारे असेट्स इंक्रीज हो रहे थे, सो इंक्रीज हो रहे थे तो हम यहाँ लिख देंगे 4,500। और कोई असेट्स में अमाउंट है नहीं, जो गुडविल थी हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स में, सो नाउ वी विल डू द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। लेट्स मेक इट, यहाँ पर आ जाएगा 4,14,900। और यहाँ पर भी आप टोटल करेंगे तो सेम ही अमाउंट आएगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी टोटल कर लिया है इसका। सो आई होप आप लोग को इक्वेशन क्लियर हुआ हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कोई कमेंट सेक्शन में डाउट क्लियर नहीं होता देन यू कैन मेल मी और यू कैन आई विल गिव यू द नंबर नेक्स्ट टाइम, सो यू कैन आस्क मी ऑन माई नंबर। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू इन दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या किया, वी विल प्रिपेयर कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, देन वी विल कैलकुलेट गुड फॉर्म्स गुडविल, देन जेड शेयर ऑफ गुडविल, देन दिस इज द विदड्रॉन अमाउंट, राइट। आफ्टर दैट वी आर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। नेक्स्ट वी आर प्रिपेयरिंग सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज़ वेरी इजी, कंफ्यूज नहीं होना कि कैपिटल और करंट अकाउंट। सी नाम से ही पता चलता है कि कैपिटल है तो सिर्फ इसमें कैपिटल डालनी है हमें, राइट। अदरवाइज एक ही अकाउंट दिया होता है तो उसमें कोई इशू ही नहीं होता, कैपिटल और ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ ही आ जाते हैं। बट यहाँ अगर ध्यान रखना है तो कैपिटल है तो सिर्फ कैपिटल डलेगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट इज करंट अकाउंट, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन, एंड लास्ट वन इज बैलेंस शीट। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू सो मच।